नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छह दिनों के लद्दाख दौरे पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को कारगिल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने युवाओं की एक सभा को संबोधित किया। गुरुवार को राहुल गांधी कारगिल पहुंचे तो वहां के युवाओं ने उनसे कई बेधड़क सवाल पूछे। एक युवा ने राहुल गांधी से पूछा कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो भारत के मुसलमान जो मुल्क में आज सामना कर रहे हैं उसे बदलने के लिए क्या करेंगे। इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप सच कह रहे हैं, भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, ये शिकायत गलत नहीं है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि भारत में और भी लोग हैं जिन पर हमले हो रहे हैं। मणिपुर में जो हो रहा है, 4 महीनों से मणिपुर जल रहा है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, ये मुसलमानों दूसरे अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों के साथ हो रहा है। हम इस मुद्दे पर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस संघर्ष में मैं और कांग्रेस सबसे आगे है। आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी समुदाय से हों, देश के किसी भी कोने में आपको खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, यही भारत के संविधान का आधार है। राहुल गांधी के जवाब पर युवा ने फिर से पूछा, क्या वो उन मुसलमानों को आज़ाद करेंगे जो जेल में हैं। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, दोस्त, हम कोर्ट की बात मानते हैं, कोई भी कानून के दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता, मैं संविधान के तहत काम करूंगा, मेरे पास इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मेरी सदस्यता फिर से बहाल नहीं की होती, मुझे फैसला मानना होता। एक राजनेता के तौर पर हमारे पास यही रास्ते हैं। राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले अपने पुराने बंगले में वापस नहीं जाना चाहते हैं। इस बंगले को उन्होंने 22 अप्रैल को खाली कर दिया था। उनकी सांसदी दोबारा से बहाल होने के बाद उन्हें दोबारा से उनका पुराना बंगला देने का प्रस्ताव दिया गया। इस पर उनसे 23 अगस्त तक जवाब मांगा गया था कि क्या वह इसे वापस चाहते हैं। बंगले में वापसी के लिए 15 दिनों के अंदर राहुल गांधी को लोकसभा कमेटी को जवाब देना था। अब 23 अगस्त की अंतिम तिथि बीत चुकी है, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसके बाद से माना जा रहा है कि राहुल गांधी अपने पुराने बंगले में जाने के इच्छुक नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। कारगिल में राहुल गांधी ने दावा किया कि हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन चीन ने छीनी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में विपक्ष के साथ बैठक में झूठ बोला। राहुल ने कहा, एक बात एकदम साफ है, चीन ने हिंदुस्तान के हजारों किलोमीटर जमीन हमसे ले ली। दुख की बात है कि पीएम मोदी ने विपक्ष की बैठक में कहा कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन नहीं ली गई है। लद्दाख के लोग जानते हैं कि चीन ने भारत की जमीन ली है और पीएम मोदी सच नहीं बोल रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर पार्टी में विभाजन से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, उनके और भतीजे अजीत पवार के बीच कोई लड़ाई या मतभेद नहीं है, वो पार्टी का ही हिस्सा है। दरअसल शरद पवार की बेटी और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने एक दिन पहले कहा था कि अजीत पवार पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक हैं। शरद पवार ने कहा है कि हाँ, अजीत पवार हमारे नेता हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। पार्टी में फूट कब होती है? यदि कोई समूह राष्ट्रीय स्तर पर अलग हो जाता है तो उसे विभाजन कहा जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति हमारे साथ नहीं है। शरद पवार बोले, अगर कुछ लोग पार्टी छोड़ते हैं या कुछ लोग अलग रुख अपनाते हैं तो लोकतंत्र में ये उनका अधिकार है। उन्होंने ये फैसला लिया तो इसे बंटवारा कहने का कोई कारण नहीं है, ये उनका निजी फैसला है। ये दिलचस्प है कि शरद पवार की बेटी और एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी गुरुवार को ऐसा ही बयान दिया था। इसके बाद शरद पवार ने भी ऐसा ही बयान दिया, जिससे राजनीतिक चर्चाएं गर्म हो गई हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बयान दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार हमारे साथ आएंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय लगातार बयान दे रहे हैं और चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने अब कहा है कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में यूपी कांग्रेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अजय राय राज्य पार्टी मुख्यालय में कार्यभार संभालने के बाद कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, अब हर कोई चाहता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्हें पीएम बनाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की यूपी इकाई की है। हम सभी राहुल गांधी के लिए और पार्टी के लिए काम करेंगे, तभी हम 2024 चुनाव में अपनी ताकत दिखा पाएंगे। के विपक्षी गठबंधन इंडिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन को चुनौती दे पाएगा, इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए एक सर्वे किया गया। इसमें दावा किया गया है कि यदि आज संसदीय चुनाव होते हैं तो एनडीए 306 सीटों पर जीत के साथ सत्ता बरकरार रखेगा। इंडिया टुडे सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन पोल किया है। इस सर्वेक्षण से पता चला है कि एनडीए के 306 सीटों की अपेक्षा विपक्षी गठबंधन इंडिया की 193 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य राजनीतिक दलों को 44 सीटें मिल सकती हैं।
2019 के चुनाव में एनडीए को 357 सीटें मिली थी। वैसे जनवरी में आए मूड ऑफ द नेशन पोल में विपक्षी दलों को 153 सीटें मिलती हुई दिखाई थी, जबकि इंडिया गठबंधन के बाद ये सीटें बढ़कर 193 हो गई हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि विपक्षी गठबंधन में लगातार सुधार हो रहा है। इस सर्वे में वोट प्रतिशत का आंकड़ा भी दिया गया है। ताज़ा सर्वे के अनुसार अभी चुनाव हुए तो एनडीए को 43% वोट मिलेंगे, जबकि इंडिया गठबंधन को 41%। यानी वोट परसेंट में कुछ अधिक अंतर नहीं है, बाजी किसी भी ओर पलट सकती है। बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों की रिहाई को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल किए। इसने दोषियों के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही जेल से रिहाई वाले माफिया आदेश का फैसला दिया था। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार को छूट आवेदनों पर विचार करने की अनुमति देने वाला 2021 का फैसला बाद में पारित छूट आदेशों की न्यायिक समीक्षा पर रोक नहीं लगाता है। बता दें, पिछली सुनवाई में भी इस बेंच ने तीखे सवाल किए थे और पूछा था कि बिल्किस के दोषियों पर सजा माफी नीति चुनिंदा तौर पर लागू क्यों। बता दें, पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर गुजरात सरकार द्वारा सजा माफ करने के उनके आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद दोषियों को रिहा कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई। यहां दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। अब मिल रही ताज़ा जानकारी के मुताबिक दोनों नेता लद्दाख के पास स्थित LAC या दोनों देशों की सीमा पर जल्द तनाव घटाने पर सहमत हो गए हैं। इसके लिए दोनों तरफ से प्रयास किए जाएंगे। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता इस क्षेत्र से सैनिकों की शीघ्र वापसी के लिए अपने देशों के अधिकारियों को निर्देश देने पर सहमत हुए हैं। भारत और चीन की इस सीमा रेखा पर जून 2020 में हिंसक झड़प के बाद से तनाव काफ़ी अधिक है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे। राज्य जेल प्रशासन विभाग द्वारा मंत्री और उनकी पत्नी की रिहाई के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। जेल में अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें रिहा करने का फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी अन्य मामले के लिए ज़रूरी नहीं है तो मंत्री और उनकी पत्नी को हिरासत में रिहा किया जाना चाहिए। दोनों 2003 में कवियत्री मधुमिता शुक्ला की सनसनीखेज हत्या के दोषी पाए गए थे। त्रिपाठी के साथ उनकी पत्नी भी 2007 से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। वहीं मधुमिता शुक्ला मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार जेल की हवा खाकर आए हैं। सरेंडर करने अटलांटा जेल गए। पुलिस रिकॉर्ड में तैयार किए जाने वाले अपराधियों का जिस तरह हुलिया दर्ज किया जाता है, उस तरह उनकी तस्वीर खींची गई और उनका हुलिया लिखा गया। वो कैदी नंबर P01135809 हुए। हालांकि करीब 20 मिनट बाद $2,00,000 के बॉन्ड पर उनको जेल से रिहा कर दिया गया। ये अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा हो। बता दें, जॉर्जिया में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने की साजिश रचने के आरोप में अटलांटा जेल में मामला दर्ज होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने आपराधिक मगशॉट के लिए गुरुवार शाम को जेल गए। इस मामले में उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।